नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो BSTC एग्जाम 2020 के अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अगले मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे। तो कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसे कॉलेज चयन की प्रक्रिया होती है, कितनी कट ऑफ रहती है, पूरी की पूरी जानकारी लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो आप चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें आगे की ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जीवा स्टडी को। और अगर आपको राजस्थान जीके इनकी क्लास चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे चैनल का, वहाँ पर डेली अपलोड की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि BSTC एग्जाम 2020 का क्या पैटर्न रहता है और कैसे कितनी कट ऑफ रहती है, कॉलेज चयन की प्रक्रिया क्या होती है, और आगे सभी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो राजस्थान BSTC की जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो इस टाइप से होता है कि सबसे पहले रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और पूरा 150 नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखने ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसमें एक मार्किंग का अलग ही तरीका होता है। उसमें नंबरिंग फुल ऐसे नहीं कि गलत हो गया सही हो गया, उसमें एक अलग ही मार्किंग का एक अलग ही नंबर देने का तरीका है, ठीक। फिर 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आ गए, फिर 50 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के, ठीक है। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और 150 नंबर, वैसे का वैसा ही है, ठीक। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सही या गलत होता है। अगर आपको राजस्थान जीके पढ़ना है तो आप लॉकडाउन का फायदा उठा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे दूसरे चैनल का, उस पर डेली 3 क्लासें अपलोड की जाती है। टॉप क्वेश्चन होते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज जो टॉपिक वाइज होता है वैसे किए जाते हैं। जैसे हस्तकला टॉपिक है तो उससे रिलेटेड ही 10 क्वेश्चन किए जाते हैं। तो नीचे लिंक पर जाकर राजस्थान जीके आप पढ़ सकते हो। फिर 300 नंबर हो गए 100 क्वेश्चन के। फिर होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें देखो एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, एक अलग ही हिसाब से नंबरिंग होती है। इसमें जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी और डी, इनमें से एक गलत है, माना सी गलत है, ठीक है, सी गलत है, बाकी तीनों सही होते हैं। लेकिन तीनों सही होते हैं वो भी अलग टाइप से होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा, एक आंसर ऐसा होता है जिसके 3 नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके दो नंबर मिलते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसका 1 नंबर मिलता है। अगर आप सी करके आ गए जैसे तो आपको क्या 0 नंबर मिलेगा, लेकिन आपने बी कर दिया तो 3 नंबर मिलेंगे। अगर ए करके आए तो 1 नंबर मिलेगा उस क्वेश्चन का, और डी करके आ गए तो 2, तो 3 2 1, इस हिसाब से क्या है कि नंबरिंग होती है। सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आते हैं, शिक्षण अभिरुचि के उनमें ऐसा होता है, ठीक है। फिर अगला देखो, अगला होता है कि जो क्या हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और रीजनिंग हो गया और राजस्थान जीके हो गया, तीनों के 150 क्वेश्चन 450 नंबर के हो गए, ठीक। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, ठीक है। लैंग्वेज इसमें PTT से थोड़ी अलग होती है, BEd वाली जैसे नहीं होती, इसमें 2 लैंग्वेज होती है। BSTC भी 2 टाइप्स होती है, BSTC जनरल और BSTC संस्कृत। तो BSTC जनरल में क्या होता है, BSTC जनरल में जो लैंग्वेज का पार्ट है उसमें क्या होता है, 20 नंबर के इंग्लिश तो फिक्स है, सॉरी 20 क्वेश्चन तो इंग्लिश के फिक्स है, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के ये तो फिक्स है। लेकिन जो बाकी दूसरा है BSTC जनरल में क्या होता है, हिंदी के आते हैं बाकी के 30 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के जो 30 क्वेश्चन है वो हिंदी के आते हैं 90 नंबर के, तो 90 नंबर की हिंदी और 60 नंबर की कौन इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो क्या पैटर्न रहता है BSTC जनरल का, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 150 नंबर के राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है 150 नंबर के, और राजस्थान जीके पढ़ना आपको तो नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पढ़ सकते हो। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें 3 2 1 के हिसाब से नंबरिंग होती है। फिर ये 150 नंबर के आगे, फिर लैंग्वेज में क्या होता है कि इंग्लिश आते हैं 60 नंबर की आती है 20 क्वेश्चन, हिंदी 90 नंबर के 30 क्वेश्चन। अगर आप BSTC जनरल से हो, जनरल से हो तब हिंदी आती है, और BSTC साइंस करते उससे हो तो इंग्लिश तो 20 नंबर की आएगी, ठीक है, 20 क्वेश्चन सॉरी 60 नंबर के आएंगे, बाकी जो 30 क्वेश्चन होंगे वो संस्कृत के आएंगे, ठीक है, संस्कृत के आएंगे 30 क्वेश्चन। अब आपको डिसाइड करना आप इंग्लिश संस्कृत लेते हो या इंग्लिश हिंदी लेते हो, ठीक है। तो ऐसे होता है पैटर्न। फिर कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ आप लगभग 380 मान के चलो, 380 से ऊपर लाने हैं आपको नंबर 600 में से, तब जाके आपको सही से कॉलेज मिलेगी, ठीक है, बिना किसी डर के। अगर आप जनरल OBC से हो तो 380 नंबर तो कम से कम आप
कम से कम लेके चलो, ठीक है कि वैसे आप लेके चलोगे 400 पार करना है, लेकिन 380 तो कम से कम लेके चलो, तब आपको हिसाब से कॉलेज मिलेगी। फिर है कॉलेज चयन की प्रक्रिया। तो कॉलेज चयन की प्रक्रिया कैसे होती है कि पहले क्या होता है, रिजल्ट आता है, फिर काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में क्या है, काउंसलिंग में आपको कॉलेज फिल करनी होती है कि कौन सी बीएसटीसी कॉलेज आपको चाहिए। 10, 15, 5, 10 कितनी भी कॉलेज ले सकते हो। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको क्या है, पहली लिस्ट में ही कॉलेज मिल जाएगी। अगर नंबर कम है तो दूसरी लिस्ट में या फिर ऑल राजस्थान करने पर आपको मिल जाएगी। और अगर नंबर कम है, 350 से कम है, तो आपको कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ कितनी, 400 नंबर आप सिक्योर मान सकते हो, कट ऑफ नहीं मान सकते, सिक्योर नंबर है ये। ठीक, फिर पैटर्न बताई दिया मैंने, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, जिसका अगर आप पढ़ना चाहो तो नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, और 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, जिसमें जो 3 राइट आंसर होते हैं, 3, एक का 3 मिलता है, एक का 2 नंबर मिलता है, और एक का 1 नंबर मिलता है, और बाकी जो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन हिंदी या संस्कृत के फिक्स हैं। तो फिर बात करते हैं कि कॉलेज की भी बता दिया मैंने, तो कि अगर पढ़ना है आपको राजस्थान जीके तो लिंक दिया गया, आप जरूर जाके एक बार क्लास जरूर देखें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जीवा स्टडी, और नीचे लिंक पर जाके हमारे दूसरे चैनल टॉपिक स्टडी को भी एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।